कान में न बोलो, मैदान में बोलो। बच्चा पैदा होता है, हाँ, पैदा होके एक दिन एक हफ्ता दस दिन वही सब मर जाता है, हाँ, उसका हिसाब किताब वो पैसा चुकते करेंगे, दूसरा जन्म कैसा होगी, अगला जन्म कैसे होगा, क्यों क्यों नहीं हो सकता, कुछ पाप को के कुछ नहीं किया, पापों ने इस जन्म में नहीं किया, पिछले जन्म के तो ढेर सारे हिसाब किताब है, वो तो ये जन्म लेके मर गया, एक जन्म लेके मर गया, पिछले जन्म में कोई बच्चे को मार दिया हो तो दूसरे को बच्चे को मार दिया तो अंजाम नहीं भुगतना पड़े, कोई ना कोई हिसाब किताब तो बनता ही है। और व्यास भगवान की आत्मा ने संगम में सब कुछ करेक्ट करके बताते हैं, क्यों ऐसा भगवान गीता का भगवान कृष्ण है ऐसा भूल द्वापर युग में क्यों ऐसा लिख करके क्यों ऐसा नहीं? वो आत्मा ही यहाँ करेक्ट करके हमको बताते हैं। शास्त्र लिखने वाला पहला कौन हुआ? तब एक था कि अनेक था? जो पहला हुआ शास्त्र लिखने वाला वो एक था या अनेक था? द्वैतवादी था या अद्वैतवादी था? हैं? एक था। तो जब एक था तो वो रावण था या राम था? राम को एक सिर होता है और रावण को अनेक सिर रामलीला में दिखाते हैं। तो एक सिर था माने एक बात थी, तो द्वापर के आदि में शास्त्रों में सच्चाई थी या झूठ था? सच्चाई थी, इसलिए विदेशी विद्वानों ने लिखा है, कीथ ने, कीरो ने लिखा है कि जो गीता है वो पहले निराकारवादी रचना थी, बाद में कृष्ण के फॉलोअर्स ने इसमें कृष्ण का नाम डाल करके श्री कृष्ण भगवान वाच कर दिया, थोड़ा सा हेर फेर करके। भगवान ने बकवास किया, शुरुआत किसने की? शास्त्र लिखने की शुरुआत, लिखने की क्या दरकार? भगवान लिखेगा बैठ करके? अच्छा उसमें भगवान था? अगर भगवान होता तो लिखता ही नहीं, भगवान नहीं था इसलिए जो संगम युग में ज्ञान दिया वो याद तो रहता है, वो इमर्ज तो होता है, वो द्वापर युग से इमर्ज होने लगा, और अकेला शास्त्रवादी कोई व्यास ही छोड़ेगा? और ढेर के ढेर जो शास्त्र लिखे गए हैं, ढेर के ढेर शास्त्रों के वेदों के इंटरप्रिटेशन किए गए हैं, वो लिखने वाले और भी अनेक व्यास की गद्दी पर बैठने वाले गुरु हुए हैं कि एक ही व्यास था? व्यास की गद्दियां चली और गद्दी पे बैठ करके उन्होंने जो मन चाहा, जो जैसा चाहा, जो संगम युग में जैसा अनुभव किया वैसा उन्होंने बाहर भी लिखा, तो अनेक बात हो गया। और जो शास्त्रों में लिखा है, मान लो गीता ही है, गीता की 108 से भी ज्यादा टीकाएं हो चुकी, समझानियां लिखी जा चुकी, इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन हो गए, 108 मत मतांतर वालों ने उससे भी ज्यादा अनेक मत गीता में निकाल दिए, तो क्या ये सूर्य ज्ञान के अनुसार गीता का अर्थ नहीं हो सकता? बोलो, एक इंटरप्रिटेशन मनुष्यों का लिखा हुआ दूसरे इंटरप्रिटेशन को यूं काटता है। माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्मा अनेक है, ईश्वर एक है, और शंकराचार्य की गीता समझानी देती है जो आत्मा सो परमात्मा एक ही आत्मा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति।
मूल में ही इतना लफड़ा पैदा कर दिया, तो सच्चा दोनों में से कौन? इसलिए ऐसे नहीं है यज्ञ के आदि में भी गीता के अर्थ बैठ करके करते थे, तो जो आदि में हुआ वो सब अंत में भी होगा, अंत में संपन्न रूप में होगा। जिस गीता के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर लोगों को इतना विश्वास है, शास्त्रवादी क्या कहते हैं? भगवान भी आ जाए तो भी हम क्या करेंगे? हम नहीं मानेंगे। कब मानेंगे? जब शास्त्रों के अनुसार भगवान की बातें टैली हो जाएंगी तब मानेंगे। तो आखिरी टैली होनी है या नहीं होनी है? शास्त्रों की बातें भी टैली हो जाएंगी, और जब वो अर्थ का जो अनर्थ किया गया है, बाद वाले शास्त्र लिखने वालों ने अर्थ का अनर्थ किया है या पहले से ही अर्थ अनर्थ हुआ? बाद में अर्थ का अनर्थ हुआ। तो जो अनर्थ हो गया है उस अनर्थ को हटा करके उसका जो सही अर्थ है जब गीता का ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार निकलेगा तो शास्त्रवादी भी मानेंगे। थोड़ा संघर्ष करेंगे, क्योंकि समझने समझाने के लिए कोई साधारण जिज्ञासु आ जाता है तो भी प्रश्न उत्तर करता है कि नहीं करता है? प्रश्न उत्तर तो करता है। चल रहा है क्या फायदा? बाबा माता जी बात कर, जो भी ज्ञान की बातों का इंटरप्रिटेशन हुआ वो जगदम्बा के सामने हुआ या लक्ष्मी के सामने हुआ? जो भी ज्ञान की बातें हैं, मुरली के पॉइंट्स हैं, उनका क्लेरिफिकेशन जगदम्बा के सामने हुआ या लक्ष्मी के सामने हुआ? जगदम्बा के सामने हुआ। इससे क्या साबित हुआ कि ज्ञान का कलश किसके सर पर रखा? जगदम्बा के सर पर रखा। लेकिन जगदम्बा जो है वो माँ काली का रूप धारण कर लेती है, काली बन जाती है, तो काली बनने से बुद्धि व्यभिचारी बनेगी या अव्यभिचारी बनेगी? कैसी बनेगी? अरे व्यभिचारी बुद्धि बनेगी। जो व्यभिचारी बुद्धि है वो उसका असर दूसरों के ऊपर नहीं होगा। कितना भी ज्ञान सुनाए असर हो ही नहीं सकता। जैसे शंकर है, शंकर के द्वारा मुख से जो ज्ञान सुनाया जाता है वो ज्ञान है तो सच्चा कि झूठा है? है तो सच्चाई, फिर असर क्यों नहीं हो रहा? तन पुरुष का पुरुष शब्द दुर्योधन दुशासन, जगदम्बा तो स्त्री चोला है, वो तो दुर्योधन दुशासन नहीं है, तो उसके द्वारा तो असर होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जगत की अंबा है, सिर्फ भारतवासियों की अंबा नहीं है, भारत माता नहीं है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है उसकी माता गुरु होनी चाहिए। माता गुरु का मर्तबा किस लिए दिया गया है? ज्ञान सुनाने के लिए दिया गया है या पवित्रता की पढ़ाई पढ़ाने के लिए दिया गया है मर्तबा? कई के लिए दिया गया? पवित्रता की पढ़ाई पढ़ाने के लिए मर्तबा दिया गया है। तो वो पढ़ाई जगदम्बा पढ़ा सकेगी या लक्ष्मी पढ़ा सकेगी? जिसके लिए बोला है व्यक्तवाणी में विजयमाला का
आवाहन करो, ये नहीं कहा जगदम्बा का आवाहन करो। किसका आवाहन करो? विजयमाला की हेड का आवाहन होगा, बड़ी रानी मक्खी आएगी तो उसके पीछे पीछे सारा विजयमाला का झाड़ आ जाएगा। हलुआ आत्मा ऊंचा क्यों बन जाती है? हर जन्म में कहा ऊंची बन जाती है, त्रेता युग में राम वाली आत्मा जो है उसका बच्चा बन जाती है कृष्ण वाली आत्मा का। त्रेता के आदमी में राम वाली आत्मा क्या बन जाती है? स्त्री चोला धारण कर लेती है। हाँ तो राजा तो नहीं बनेगा। अरे वो तो अर्धांगिनी है, चाहे तुम करो चाहे हम करें बात तो एक ही है। अंतर क्या है? अर्धांगिनी का मतलब क्या हुआ? आधे आधे के रिश्तेदार है कि नहीं? स्त्री और पुरुष क्या हो गए? आधे आधे के हिस्सेदार हैं। जो भी घर परिवार है, जो भी कमाई है, उसमें आधा तुम्हारा आधा हमारा, वो तो दोनों एक ही हो गए। अरे प्योरिटी के मूल्य के आधार पर ही तो सारी ज्ञान की प्रॉपर्टी किसको दे दी? किसके सर पर कलश रखा? लक्ष्मी के सर पर कलश रखा, जगदम्बा के सर पर तो नहीं रखा। ना जगदम्बा के सर पर कलश रखा और ना जगदम्बा जो महाकाली या काली बनती है उसकी भुजाओं के ऊपर कलश रखा। वो तो आधे से आधे के हकदार हैं, चाहे तुम करो चाहे हम करें, करना दोनों को मिलके। बाबा ने तो बोला कि मतलब जो लास्ट जन्म में ब्रह्मा बाबा को पोता मिला। हाँ हाँ, उन्होंने पोता मिल दिया। ब्रह्मा बाबा को पोता मिलते हैं बाप लॉकेट जन्म में, जो लास्ट जन्म में बिजनेस क्या सही पोता मिल नहीं था। सही पोता मिल की बात नहीं है, असली बात ये है कि राम वाली आत्मा अगले जन्म में आके गरीब क्यों बनती है? हाँ नहीं, प्योरिटी का कारण गरीब नहीं बनता। गरीब इसलिए बनती है कि जो हिस्सा ब्रह्मा बाबा को देना चाहिए, प्रॉपर्टी का आधा आधा होना चाहिए ना, वो पूरा हिस्सा ब्रह्मा बाबा को नहीं दिया। ब्रह्मा बाबा सीधे साधे, उन्होंने जो कुछ दिया सो ले लिया। तो चालाकी करेगा तो गरीब नहीं बनेगा। कौन? वो तो बाबा ने पास कर दिया, तुम अच्छे काम में लगाने के लिए चीटिंग कर रहे हो तुम जो, वो तो देने वाला नहीं तुम्हें छदम, तो आप उनकी जेब में से कुछ निकाल लेते हैं। अगर निकाल लेते हैं तो आप अपना हिस्सा निकालते हैं या उसका हिस्सा निकालते हैं? हर जन्म। अरे जो कुछ आप हिसाब किताब बांध रहे हैं वो इस जन्म में बांध रहे हैं कि पिछले जन्म में बांध रहे हैं? चौरासी जन्म एक के साथ थोड़े ही होते हैं। जो जो पहला व्यक्तित्व है, पहला पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है, उसी का एक के साथ हिसाब किताब नहीं बनता है चौरासी जन्म का, तो आपका कहाँ से बन जाएगा? सत्युग त्रेता में अलग और द्वापर कलयुग में अलग हो जाता है हिसाब किताब। और फिर ये भी बता दिया, यहाँ के जो युगल हैं वो वहाँ थोड़े ही रहेंगे। क्या जो यहाँ का युगल है संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन में, जैसे जगत पिता का जगदम्बा युगल है,
वहाँ सत्युग में रहेगा? 21 जन्म रहेगा? नहीं रहेगा। यहाँ की कोई चीज वहां नहीं रहेगी, सब चेंज हो जाएगा। अभी जो ड्रामा गाने वाला पार्ट है, माला बननी है कि नहीं? बननी तो है। माला में नंबर बनने हैं कि नहीं? अगर माला में नंबर बनने हैं तो नंबर जब तक बनेंगे तो तब तक कम और ऊंचा, ऊंचा और नीचे का पता कैसे चलेगा? ये युक्ति बनी हुई है कि माया किसी को नहीं छोड़ेगी फाइनल पेपर में। अब देखो क्या क्या होता है। अभी नहीं अनिश्चय बुद्धि हो रहे हैं क्या? अगर अभी अभी 25% अनिश्चय बुद्धि हो रही है तो 99% 99.5% 100% अनिश्चय बुद्धि हो जाए आगे चलती तो क्या बड़ी बात है। अभी तो फाइनल पेपर भी नहीं है, वो तो फाइनल पेपर होगा माया का। और अभी तक तो जो पेपर लिए हैं सिर्फ माया ने लिए हैं, आगे चल के तो प्रकृति भी पूरा सहयोग देगी माया को। क्या ज्यादा पावरफुल प्रकृति है या माया है? है? ज्यादा विनाश कौन कर लेता है? प्रकृति तो बड़ी पावरफुल है, वो तो जगदम्बा है। और माया ने जगदम्बा प्रकृति से हाथ मिला लिया, हाथ मिला लिया तो दोनों पार्टी मिलकर के एक हो गए। अब बड़ी बड़ी परीक्षाएं लास्ट में आएंगी या छोटी आएंगी? तो फिर हाँ ये जरूर है, इस फाइनल परीक्षा के बाद कोई ज्यादा प्रभावित हो जाए और लंबे समय तक लोढ़े खाते रहे, कोई कम प्रभावित हो, थोड़े मार्क्स से फेल हो, तो जो थोड़े मार्क्स से फेल होंगे उनकी बुद्धि जल्दी सुधरेगी या जो ज्यादा मार्क्स से फेल हो जाएंगे फाइनल पेपर में उनकी बुद्धि जल्दी सुधरेगी? तो आधे नंबर से एक नंबर से अगर कोई फेल हो गए तो वो तो फटाक से जाकर के सुबह का भूला, शाम को रास्ते पर आ जाए तो भूला कहा जाता है नहीं? अष्टदेवों की ऐसी गति होगी, टूटेंगे तो। माया किसी को छोड़ती है क्या? किसी को नहीं छोड़ती। पहला बच्चा परम धाम चला जाएगा, आप रह जाएंगे यहाँ? संपूर्ण बन जाएगा, बाप चला जाएगा, बाप चला जाएगा माने शिव बाप चला जाएगा। तुम्हें पता चलेगा कि शिव बाप चला गया कि प्रजापिता चला गया? तो तुम्हें बिंदी का पता चलता है क्या? तो पता नहीं चलता, वो तो दोनों एक समान हो गए, वो भी निराकार और वो भी निराकार, वो भी निराकार शिव शंकर को मिला के ही एक इसलिए कर दिया है। हाँ बिल्कुल, दैवी पढ़ाई देवता पढ़ाएगा, डॉक्टर की पढ़ाई डॉक्टर पढ़ाएगा, इंजीनियर की पढ़ाई इंजीनियर पढ़ाएगा, कोई दूसरा पढ़ाएगा? देवता ही पढ़ाएगा। हाँ नंबर वार्ड बनेंगे, जैसी पढ़ाई पढ़ाएंगे वैसे देवता बनेंगे। नहीं तो 108 की माला है, 12-12 के 9 ग्रुप हैं, पता नहीं चलना चाहिए है? अरे ऊपर वाला ग्रुप कौन सा है, नीचे वाला ग्रुप कौन सा है, दाईं ओर का ग्रुप कौन सा है,
बाई ओर का ग्रुप कौन सा पता नहीं चलना चाहिए, चलना ही चाहिए। कोई का दुखी नहीं हो जाएगा, सब कहेंगे मेरा पार्ट बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए। सब अपने अपने पार्ट में संतुष्ट हो जाएंगे, वो कहेंगे हमें ऐसा विश्व का बादशाह आने ही पड़ता, जो इतनी ग्लानी सहन करनी पड़े, हम में दम नहीं है। गंगा जी की सवारी किसके ऊपर दिखाई गई है? मगरमच्छ के ऊपर सवारी दिखाई गई। मगरमच्छों का देश कौन सा है? मगध देश। उस मगध देश में कौन सा स्थान है जहाँ वो मगरमच्छ काम कर रहा है 16,000 मछलियों को खा जाएगा? गंगा निकलती है, गंगा सवारी किस पर करती है? मगरमच्छ के ऊपर सवारी करती है। तो मगरमच्छ के ऊपर जो सवारी करती है तो वो गंगा की सवारी है मगरमच्छ। वो मगरमच्छ का पार्ट किसका हुआ? प्रजापिता का पार्ट हुआ मगरमच्छ का। अरे एक लक्ष्मी के अलावा बाकी तो सब बदबू छोड़ने वाली विचारणी मछलियां ही हो गई। अगर एक आत्मा 84 जन्म एक ही आत्मा के साथ संसर्ग संपर्क हो तो अभिविचारी, और दो के साथ हो जाए तो विविचारी या अभिविचारी, तो सारी दुनिया सागर की क्या हो गई? मछलियां हो गई। गंगा तो सन्यासी है ना? ठीक है, बड़े बड़े सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की जीत हो जाएंगे। बाबा गंगा तो सन्यासी अंत में निकलेंगे, पहले निकलेंगे अंत में निकले। उसका बच्चा तो भीष्म पितामह है ना? गंगा का वो भीष्म पितामह पहले निकलेगा कि देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं पहले निकलेंगी? कौन निकलेंगे पहले? पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की माला बनेगी कि पहले भीष्म पितामह की माला बन जाएगी दूसरे धर्म वालों की? नहीं, पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी की माला वो पहले नहीं। बाबा मैंने क्वेश्चन किया है, भीष्म पितामह को वो कैसा जन्म दिया? गंगा ने सन्यासी है, गंगा तो सन्यासी है, गंगा तो सन्यासी है, फिर वो भीष्म पितामह कैसा, भीष्म को कैसा जन्म दिया? शांतनु के साथ शादी नहीं की? फिर राजा शांतनु के साथ शादी नहीं की? जब महाभारत दिखाते हैं तो पहला पहला राजा कौन दिखाया? शांतनु। तो शांति है ही नहीं, शांतु नो। उसको बिना शादी किए शांति ही नहीं होती। बावन बोला तुम हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, निवृत्ति मार्ग में तुम रह ही नहीं सकते। गंगा की जो शादी होती है वो किसके साथ होती है? एडवांस ज्ञान निकला। पहले पहले एडवांस ज्ञान किस कन्या ने सुना? गंगा। गंगा ने सुना। निकली तो यमुना भी, लेकिन ज्ञान धारण नहीं किया, सुना ही नहीं। निकली तो जगदम्बा भी, लेकिन कम उम्र थी, मैच्योर्ड बुद्धि नहीं थी, लौकिक दुनिया की पढ़ाई लिखाई में लगे हुए। तो जो चीज धारण करने की है वो किसने धारण की? वैसे भी देखो शास्त्रों का ज्ञान दुनिया में सन्यासियों को ज्यादा होता है कि मुसलमानों को ज्यादा होता है, इस्लामियों को ज्यादा होता है कि क्रिश्चियन को ज्यादा होता है, कि सिखों को ज्यादा होता है? शास्त्रों का ज्ञान सन्यासियों को ही ज्यादा होता है। नहीं बाबा, वो क्यों सन्यासी बना? वो तो शादी कौन सन्यासी बना? गंगा ने, वो शादी कर लिया ना, फिर प्रवृत्ति मार्ग हो गया। उसने 8 बच्चे पैदा कर लिए,
प्रवृत्ति मार्ग हो गया ना। हाँ उस समय प्रवृत्ति मार्ग हो गया शुरुआत में। गंगा शंकर के मस्तक पर बैठी हुई है, जिस बच्चे से ज्यादा प्यार होता है उसको कहाँ चढ़ाया जाता है? तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ या निवृत्ति मार्ग हुआ? कौन सा मार्ग हुआ? प्रवृत्ति मार्ग हुआ। पहले पहले तो गंगा प्रवृत्ति मार्ग की, बाद में सन्यासी। सन्यासी में पहले प्रवृत्ति में होते हैं या जन्म लेते ही निवृत्ति में होते हैं? सन्यासी भी पहले, गंगा भी पहले प्रवृत्ति में थी। पार्वती की तो ईर्ष्या होती है गंगा से, मैं गोद में बैठी हूँ इससे ज्यादा ऊपर चढ़ ही नहीं, और ये कहाँ जाके चढ़ के बैठ गई? उतर नीचे। हाँ टोटल का 18 से आरम्भ होगा, लेकिन 36 से होगा बाबा। 18 से होगा लेकिन 36 से होगा। जो स्वर का तुम गायन करते हो, जिस स्वर का शास्त्रों में जिक्र है, वो स्वर्ग जिस स्वर के लिए अंग्रेज लोग बोलते हैं पैराडाइज, जिस स्वर के लिए मुसलमान बोलते हैं जन्नत, वो 36 से पहले है या बाद में? बताओ बताओ बताओ। शास्त्रों में जिस स्वर्ग का गायन है वो स्वर्ग 36 से पहले की बात है या 36 के बाद आएगा? बाद में आएगा, उसका शास्त्रों में गायन है, अंग्रेजों के शास्त्रों में पैराडाइज के रूप में उसका गायन है, मुसलमानों के शास्त्रों में जन्नत के रूप में उसका गायन है। मनुष्यों के पास तो उसकी हिस्ट्री नहीं है उस स्वर्ग की। तापन एक साइड होना चाहिए। तापन तो कभी कब से? जब से सतो प्रधान बने तब से। सतो प्रधान कब से बनेंगे? हेट तो भी होगा ना, 18 से। सतो प्रधान कब से बनेंगे? अभी बनता जा रहा है। अभी बनता जा रहा है, कहाँ बन गया? कोई बना है? कोई ऐसा बना है? बना तुम्हारा शंकर जी बन गया? अभी कल पुलिस पकड़ के जेल में डाल दे तो इसकी गारंटी है तुम्हारे पास? है जो सतो प्रधान नारायण जैसा बनेगा उसको कोई दंड दे सकता है? है नहीं दे सकता। अभी कोई सतो प्रधान नहीं बना। बात पर अनिच्छे होते हैं सभी लोग है? किस एक बात पर अनिच्छे होते हैं सभी लोग? कौन सी एक बात है जिस पर झगड़ा होता है? भाई ये बात बताओ, कौन सी एक बात है जिस बात पर झगड़ा होता है? पवित्रता की बात पर। तो जिस बात पर झगड़ा होता है उसी बात पर अनिश्चय होता है। बाबा सारी दुनिया एक तरफ और बाबा एक तरफ। असलियत को जितना बाबा जानता है उतना कोई दूसरा जानेगा? है हमारे अंदर क्या चल रहा है वो हम ज्यादा जानेंगे या कोई दूसरा नजदीक में रहने वाला जानेगा? जगदम्बा जानेगी? नहीं जानेगी। उसी एक बात पर सबको निश्चय आ रहा है, तुमको नहीं आ रहा है? किनको पकड़ पकड़ के ला रहे हो क्लास में? तुमको अनिश्चय बुद्धि आई तभी तो दूसरों को अनिश्चय बुद्धि बनाया। वो तो ड्रामा मनु था। बाबा अभी बाप अलग हो जाएंगे, बाप पूरा दुनिया अलग हो जाएंगे। आज में नहीं हुआ, आदि में उसके साथ कोई गया ना बाबा? आज में एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ। फिर अष्टदेव भी छोड़ के चले जा सकते? क्यों अष्टदेव गिरेंगे नहीं क्या? दूसरे धर्म में नहीं जाएंगे?
वो दूसरे धर्म के पूर्वज नहीं है, नंबरवार नहीं है क्या? उनमें से एक चंद्रवंश का पूर्वज है, एक इस्लाम धर्म का भी पूर्वज है, एक मुस्लिम धर्म का भी पूर्वज है, इसलिए तो दूसरे धर्म वालों ने लिख दिया। खुदा के तख्त ने, तख्त को किसने उठाया? आठ फरिश्तों ने उठाया। तो आठ फरिश्तों को खुदा के नजदीक मानते हैं ना? फिर वो आठ तो पनिशमेंट नहीं खाता है ना? पनिशमेंट क्यों खाएंगे? उन्होंने इतना इतनी बड़ी भूल ही नहीं की कोई? बाप का हाथ छोड़ दिया ना बोलो? बाप का हाथ छोड़ दिया ना? बाप का हाथ छोड़ दिया एक बार? एक बार भूल की किसी ने तो माफ होती है या नहीं होती है? माफ होती है। दो बार भी कोई भूल करता है तो भी माफ होता है, तीसरी बार भूल की तो माफ नहीं होता। यमुना नदी में बाढ़ है ना? तो यमुना नदी में बाढ़ है तो यमुना नदी में नाले भी तो गिरते हैं ढेर सारे दिल्ली में। तो जो जब नालों का बाढ़ बनेगी, नालों में गंदा पानी बढ़ेगा तो यमुना बाढ़ लेगी कि नहीं? उसे पावर मिलेगी कि नहीं जल की? पावर बढ़ रही है उसकी, बढ़नी चाहिए। और ज्यादा बाढ़ तो तब आएगी जब नंगल डैम फटेगा। अभी ज्यादा बाढ़ नहीं है। दादा एक बार एक मुठी में बोला है कि यमुना के उद्धार होने के बाद ही सभी का उद्धार होगा। जिस कंठे पर, जिस नदी के किनारे स्वर्ग स्थापन होना है उसका उद्धार नहीं होना चाहिए? अगर उसका ही उद्धार नहीं होगा तो दूसरों का उद्धार कैसे हो जाएगा? पहले तो आधार का उद्धार हो। पहले पहले एडवांस में निकला कौन? कौन निकला? ये अपना ही निकली, कोई और कन्या तो नहीं निकली? कोई दाता और निकली क्या जो बाप की सहयोगी बनी हो? थोड़ा समय है, चलो थोड़े समय बीज तो पड़ा। अरे शुरुआत में कोई ने बीज बोया, जो फसल बोई जाती है तो मौसम शुरू हुआ और उसी समय किसी ने बीज बो दिया, वो ज्यादा फलदायी होता है या बाद में जो बीज बोता है वो ज्यादा फलदायी होता है? जो पहले पहले बीज बोता है वो ज्यादा फलदायी होता है। इसलिए अभ्यतवाणी में बोला दिल्ली की माताएं कन्याएं और जो भी भाई हैं वो अंत तक बाप से सहयोग लेने के हकदार हैं। दूसरे कोई हकदार बने या न बने, क्योंकि दिल्ली वालों ने बाप को पहले पहले सहयोग दिया। लेकिन वो अंत तक विरोध करते रहते हैं। करना है विरोध करने वाले को का पार्ट है विनाश का। विनाश कल्याणकारी नहीं है। अगर विनाश नहीं होगा तो स्थापना प्रत्यक्ष हो जाएगी संसार में? हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए कार्तिक के पास असुर को अपना दोस्त बना दिया, दुर्गा स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी। उसको बाकी जैसे सुब्रमण्यम स्वामी सूर असुर को अपना दोस्त बना दिया तो ऐसी बाबा का पार्ट है? वो बाबा का पार्ट नहीं है क्या? जो अपकार करते हैं उनके ऊपर उपकार करना? मेरे बच्चे ही मेरा सबसे जास्ती वो अपकार करते हैं, ग्लानी करते हैं, ड्रामा बनूंगा। तो त्रेसर जन्म में प्रजापिता ने भी कुछ उनके साथ किया होगा कि नहीं किया होगा? अरे कुछ उनका ग्लानी की होगी या नहीं की होगी?
की होगी, तो उसका मौजूदा भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? अभी तो मक्खन में से बाल की तरह निकल रहा है, क्योंकि भगवान मिला हुआ है। और वहां तो 63 जन्म में, जन्म में भगवान था छत्र छाया के रूप में, नहीं था वहां तो ग्लानी कितनी महंगी पड़ी होगी। तो विश्वपिता बोलता है, विश्वपिता तो बोलता है, मगर जब विश्व का विश्वपिता वही मानेंगे तब सब लोग मालूम करेंगे वो पिता। सारा विश्व पिता माने तभी विश्व पिता होगा। अच्छा, सारे विश्व को छोड़ दो, सारे विश्व को छोड़ दो, सारे विश्व की जो चीनी हुई बीज रूप आत्माएं हैं, कोई पिता मान ले तो भी विश्व पिता हो गया। विश्व पिता होने के बाद ये भी होने वाला है ना, वो अभी दशक में होने वाला है ना, क्या होने वाला है वो, क्या विनाश भी होने वाला है ना। विनाश होने के बाद वो विश्व पिता विश्व का तो ये रूल ही नहीं करता है, खाली मन का रूप में रूल करता है ना। विश्व पिता उसका कोई दशक हो के विनाश हो जाएगा, जब सब सारे लोग मालूम करने से वो विनाश हो जाएगा, लोग तो ये तो विनाश हो जाएगा, फिर वो किसको विश्व किसका विश्व पिता होगी? द्वापर कलयुग में किसी को सत्य को रहता है, किसी को याद रहता है कुछ नहीं रहता है, तो बाकी बात ही खत्म। तो तब तक विश्व पिता खाली एक सेकंड के लिए एक सेकंड जो अंतिम क्षण है मृत्यु के समय, जो बुद्धि में बैठा हुआ होता है अंत मते सोई गते होती है। दुनिया गॉडफादर चिल्ला रही है, किसके लिए चिल्ला रही है? वर्ल्ड गॉडफादर वो किसके लिए चिल्ला रही है? किसके लिए चिल्ला रही है? द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक जो विश्वपिता गाया हुआ है वो गाया हुआ है, बाकी सत्य उतरेता की तो किसी के पास कोई हिस्ट्री नहीं है। और अब फिर दूसरी बात, 500 करोड़ तो मनुष्य हैं, बाकी जो पैदा होते हैं 200-250 करोड़ वो मनुष्य हैं या कीड़े मकोड़े हैं, उनको क्यों गिनते हैं? उनके जन्म लेने के लिए और उनकी मृत्यु होने के लिए तो अंतिम थोड़े समय का टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा? बहुत लंबा टाइम बचेगा। अंत समय की जो स्मृति है वो सिर्फ हिंदुओं के शास्त्रों में ही नहीं बनी रहती है, मुसलमानों के शास्त्रों में ही अंत समय की हिस्ट्री बची रहती है, इस्लामियों के शास्त्रों में जो अभी अवेलेबल भी नहीं है, एंजल वगैरह उनमें भी वही हिस्ट्री है, बाइबल में भी उसी समय की हिस्ट्री है। विश्वपिता का पार्ट 2018 से शुरू होगा, 2018 तक 2018 से शुरू होगा, जब 40 वर्ष पूरे हो तो विश्वपिता का पार्ट शुरू हो। 40 वर्ष से 50 वर्ष लगते हैं सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनते, वो तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने में। नहीं, बाहर की दुनिया में कुछ उसका परिवर्तन, बाहर की दुनिया में बाद में परिवर्तन होगा, पहले जो देवताएं हैं और उन देवताओं के जो राजाएं हैं उनमें परिवर्तन होगा या प्रजावर्ग में परिवर्तन होगा? पहले राजाएं सुधरे तब प्रजा सुधरेगी बाद में, या पहले प्रजा सुधर जाएगी? पहले जो राजवर्ग की आत्माएं हैं, राज परिवार की आत्माएं हैं, उनमें सुधार आए, वो मनुष्य से देवता बने, तो उनके लिए 10 साल का टाइम है, 40 वर्ष से 50 वर्ष। वो लोग मानेंगे वो लोग ही मानेंगे। कौन लोग मानेंगे? जो उनकी प्रजा बनने वाली होगी, प्रजा बनने वाली वो मानेंगे। 500 करोड़
जब बीज सुधर गए तो कोई रह जाएगा क्या? बीज सुधरेगा तो सारे झाड़ को भी सुधरना ही पड़ेगा। 108 बीज हैं दुनिया के। साउथ में यहाँ तो मूर्तियाँ ज्यादा पानी क्यों है? ज्यादा काली काली मूर्तियाँ। हाँ काली क्यों? काली दक्षिण भारत, भारत का विदेश है कि स्वदेश है? तो जो विदेशी आत्माएं कन्वर्ट होकर के देवता बनेगी वो काली की काली ही रह जाएंगी या 100% गोरी बनेगी? माने दूसरे धर्म की आत्माएं जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई थी 63 जन्मों में, वो जब ज्ञान में आती हैं तो ज्ञान में आने के बाद पूरी गोरी बन जाएंगी? बनी नहीं सकती। जो उन्होंने 63 जन्म पार्ट बजाया है और धर्म पिताओं की बातों को मानने का और धर्म पिताओं के मत पर चलने का, वो पार्ट यहाँ भी बजाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं, मंदिर मंदिर माने भक्ति, ज्यादा भक्ति करती है। तमो प्रधान भक्ति करती है, सतो प्रधान तमो प्रधान भक्ति करती है। हाँ वो तो जगन्नाथ स्वामी की चित्र देख लो जाएगी, नाक कटी हुई कि नहीं? ऐसा को कलयुग में नाक नहीं कटती, जगत का नाथ है तो सारे जगत का नाथ। जगत माने 500 करोड़ या 10 करोड़? 500 करोड़। तो 500 करोड़ में जब दुनिया बनेगी 500 करोड़ की, तो उस समय कलयुग का अंत समय होगा या द्वापर का आदि होगा? कलयुग का अंत होगा तो उस समय नाक कटी हुई होगी या जुड़ी हुई होगी? अरे क्यों कटी? कटी हुई होगी। क्यों कटी? कृष्ण काला क्यों बना? राम काला क्यों बना? नारायण काला क्यों बना बताओ? ऊपर उंगली बढ़ाना आसान होता है, वो तो उठा कर क्यों ऐसा क्यों हुआ? और तीन उंगली अपनी तरफ आते हैं सो, अरे कोई ऐसा है जो काला न बनता हो? है कोई ऐसा? कोई नहीं है सर, वो काला बनता है। कार्तिकेय है ना, उन्होंने तो शिव परमपिता को एक ज्ञान सुनाया था, अपने बाप को एक ज्ञान सुनाया, इसका क्या अर्थ है? कार्तिकेय ने बाप को ज्ञान सुनाया? मंदिर है साउथ में, एक मंदिर है स्वामी मंदिर। कार्तिका शिव को ही सिखाया, वो शिव को ज्ञान सिखाया? नहीं बाबा, इधर स्वामी मले बोल के एक मंदिर है, वो मंदिर में कार्तिकेय स्वामी है ना, पहला ब्रह्मा को पूछता है प्रणव मंत्र का मीनिंग, ब्रह्मा को पूछता है प्रणव मंत्र ओम का मीनिंग पूछता है, उसको मालूम नहीं पड़ता है, ब्रह्मा को मालूम नहीं मालूम नहीं पड़ता है, उसको सीधे कोर्ट के जेल में डाल देता है। किसको? ब्रह्मा को। ब्रह्मा को कौन जेल में डाल देता है? कार्तिकेय ने। कार्तिकेय ने ब्रह्मा को जेल में डाल दिया। फिर उसका पिताजी शिव ने आता है। फिर उनके पिताजी विष्णु नहीं आए? विष्णु नहीं आए। कहानी में वैसा ही है, शिव आया, शिव को भी पूछता है, शिव को भी पूछता है ये इसका मीनिंग, उसको भी मालूम नहीं था, ये उसको मीनिंग बताता है। उनको मीनिंग मालूम नहीं? नहीं। तो उनको गड्ढे में नहीं डाल देता? नहीं डाल, पिताजी है ना, इसके लिए उसको मीनिंग बता देता है। उसका मतलब क्या है? उसका क्या मतलब? भिन्ना जो कार्तिकेय के पुजारी है वो कार्तिकेय को भगवान बना देते हैं, जो गणेश के पुजारी है वो गणेश को भगवान बना देते हैं, क्या जो क्या नाम हनुमान के पुजारी है वो हनुमान को भगवान बना देते हैं, विष्णु पुराण में विष्णु की सारी महिमा है, तीन मूर्तियों को तीनों को ऊंचा दिखाना चाहिए, इसको नहीं दिखाया, विष्णु को भगवान बना के दिखा दिया, शंकर जी को भी कई जगह नीचे कर दिया, ब्रह्मा जी को भी नीचे कर दिया, ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा को भगवान बना दिया, विष्णु को नीचे दिखा दिया,
शिव को भी नीचे दिखा दिया। तुंडे तुंडे मतरे भिन्ना है, जो जिसका भगत है बस वो उसी के लिए वो उसी की पूजा करेगा, दूसरे की क्यों माने। मुरली में भी बोला जो जिसका भगत होगा वो उसी को मानेगा, दूसरे को मानेगा क्या। एडवांस ज्ञान इतना सुनाया जा करके, जो ज्ञान में ऊंचे समझे जाते थे बेसिक में, उनको इतना ज्ञान सुनाया, अच्छे ज्ञानी समझे जाते थे। सुनने के बाद कहते थे जगदीश भाई मान जाएंगे तो भी मान तो उनका भगवान कौन हुआ। कोई कहते थे कुमार का दादी, दादी मान जाएंगी तो हम भी मान जाएंगे, तो उनका भगवान कौन हुआ। मस्जिद नहीं बाबी, इसलिए ये साउथ इंडिया में अप्पा स्वामी बोल के नाम भी रखते हैं, अप्पा को स्वामी, अप्पा स्वामी, अप्पा स्वामी वैसा नाम रख लेते हैं ऐसा। ये साउथ इंडिया में है, बाप का भी स्वामी है। अप्पा मतलब पिताजी को अप्पा कहा जाता है, उसको स्वामी करके नाम रखते हैं अप्पा स्वामी। क्या क्या बोलते, समझने की बात है। नहीं बाबा सुनो सुनो, ये समझने की बात है, जो अम्मा का पति बन के बैठ जाए वो ऊंचा है या नीचा है। ऊंचा है, नीचे वाला है, दिक्कत है ऊंची जैसा। जो बाप का भी ऊपर बैठ जाए, बाप को नीचे बैठा दे, वो ऊंचा है या नीचे है। ये भारतीय परंपरा के विरुद्ध बातें हैं, भारतीय परंपरा की बातें ये हैं कि माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने पालना की है, जिन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया है, जब तक हम जिंदा रहे तब तक उनको ऊंचा माने। ये विदेशी संस्कृति है, ये दक्षिण भारत, भारत का विदेश है, जहाँ विदेश में माँ बाप का कोई मान बच्चे नहीं करते हैं, माँ बाप से नहीं पूछते हम ये शादी करेंगे ना करें, पकड़ के ले आएंगे बंदरिया को, अम्मा बाप के सामने ही बैठा देंगे, मानो तो मानो ना मानो तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, कर लेते हैं। बाबा ऐसा नॉर्थ इंडिया में भी होता है ना, तो फिर भी कम है। नॉर्थ इंडिया में उनके देखा दूनी बाद में हो रहा है या पहले से हो रहा है। नहीं उधर भी लव मैरिज ज्यादा होता है। यहाँ पढ़ाई कौन सी पढ़ाई जा रही है, यहाँ जो पढ़ाई पढ़ा जा रही है वो विदेशियों अंग्रेजों की ही पढ़ाई चल रही है या पढ़ाई बदल दी है। जो अंग्रेजों ने पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दी वो ही पढ़ाई चल रही है। दस महीने के बाद आए, साल में दो बार आए ना, दस दस महीने के बाद आए ना, तो दो बार हो गया ना, दो महीने के बाद नशा कम हो जाता है। अमृत वेले उठाओ नशा बढ़ जाएगा, नहीं होता। जब धर्मराज डंडा लेके खड़ा होगा तो देखा होता है कि नहीं होता है, सब खड़े हो जाएंगे। जब ड्रामा का अंत समय आता है ना तो सारे एक्टर्स आकर के स्टेज पर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। साल में चार बार आना चाहिए तो आ ही रहे, चार बार तो आप चार बार कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम तो कितनी बार आ रहे हैं। देखो तीन घंटे ये क्या नाम तिरुपति आ जाता है, लोग तो बारह बारह घंटे की यात्रा करके जा रहे हैं बाबा दत्तनाथ शंकर अटेंड करने के लिए। वो किसका बावन बांधा है तो फिर बाबा क्या करे, बाबा मुक्त करे। मैंने जितनी 500 करोड़ आत्माएं गिरी पड़ी उन सबको बाबा मुक्त करे। ओम शांति।